वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूँ इस समय मुंबई में और मैं आया हूँ आज सबसे पहले महालक्ष्मी टेंपल लोकल विजिट में। तो एक बार मैं आपको पीछे से मंदिर जाने का रास्ता दिखा देता हूँ और आप मुंबई सेंटर से कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। मुंबई सेंटर रेलवे स्टेशन के बाहर के बस स्टॉप से ही आपको बस मिल जाएगी A63 AC बस। स्टॉप जो है इसका टिकट ब्रीच कैंडी तक देगा आपको टिकट और 6 रुपये की टिकट पड़ेगी। ये स्टॉप आएगा महालक्ष्मी टेंपल के नाम से और सामने यहाँ पे रास्ता है महालक्ष्मी टेंपल मंदिर जाने का। बस स्टैंड के ठीक सामने से आप मंदिर जाने के लाओगे यहाँ पे कुछ दुकान बनी हुई है, यहाँ पे आप महालक्ष्मी फूल वगैरह ले सकते हो लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए। और इस तरफ से सीधे वॉकिंग 10 मिनट का रास्ता है। यहाँ सामने बोर्ड भी लगा है कि महालक्ष्मी मंदिर, इस तरफ से आपको सीधे चल के आना है। महालक्ष्मी मंदिर जाते समय आप रास्ते में देख सकते हो श्री धाकलेश्वर महादेव मंदिर। आप चाहें तो पहले यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं फिर महालक्ष्मी मंदिर जा सकते हैं। हम पहले महालक्ष्मी मंदिर जाएंगे उसके बाद आके भगवान शंकर के दर्शन करेंगे। यहाँ भी मंदिर जाते समय रास्ते में पूजा का स्टॉल है और यहाँ से भी मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल वगैरह आप ले सकते हो। सामने आप देख रहे हो वो है श्री महालक्ष्मी मंदिर। मंदिर से पहले आपको काफ़ी सारी यहाँ पे पूजा की दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आप पूजा पाठ का सामान ले सकते हो, मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल माला यहाँ से भी ले सकते हो। जूता चप्पल यहाँ रखते हो तो आपको इनसे पूजा पाठ का सामान एक बार फूल माला चढ़ाने के लिए आपको लेना पड़ेगा। और चाहते हो तो महालक्ष्मी मंदिर के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ से ले सकते हो। लक्ष्मी जी के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ड्रेस वगैरह लेना चाहते हो घर में अपने भगवान जी के लिए तो आप ले सकते हो। ज़्यादा मात्रा में प्रसाद चाहिए तो यहाँ पे RP पांडे स्वीट्स है, यहाँ से आप ज़्यादा मात्रा में प्रसाद ले सकते हो मंदिर में चढ़ाने के लिए और अपने रिलेशन्स में और अपने फैमिली रिलेशन में सब किसी को प्रसाद बांटना है तो यहाँ से लेके आप मंदिर चढ़वा के वो आप दे सकते हो। मंदिर के बाहर बने जूता काउंटर पर मैंने अपने शूज रख दिए हैं और सामने RP पांडे स्वीट्स से एक ये प्रसाद का डिब्बा ले लिया, 70 रुपये का छोटा सा डिब्बा ये पेड़े का लिया मैंने। अब चलते हैं मंदिर में अंदर और आपको भी अंदर से दिखाते हैं। लाइन देख सकते हैं आप सामने मंदिर में, काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ गेट के पास तक। आज संडे छुट्टी का दिन है इस वजह से भीड़ ज़्यादा है, बाकी मंडे टू फ्राइडे में भी भीड़ होती है मगर आज छुट्टी होने की वजह से आज भीड़ बाकी दिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखी है कि मंदिर के अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। आप मंदिर के बाहर तक आप फोटो खींच सकते हैं वीडियो बना सकते हैं कि मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। मंदिर परिसर में मैं आ चुका हूँ और भीड़ यहाँ पे बहुत है। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से पूरा मंदिर जो है एक बार दिखा देता हूँ। सामने आप देख सकते हो माता महालक्ष्मी की दिव्य प्रतिमा जो अंदर गर्भगृह में है और अंदर फोटो लेने अलाउ नहीं है इसलिए मैं आपको अभी बाहर से दिखा दे रहा हूँ। और मंदिर के अंदर आप यहाँ पर भक्त लोगों की लाइन दे सकते हो, छुट्टी के दिन काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर दर्शन करने के आए हैं, भीड़ देखो आप काफ़ी ज़्यादा है। माता के भवन से अंदर मैं माँ के दर्शन करके आ गया। मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप साइड से भी यहाँ से माता के दर्शन आप कर सकते हैं। और प्रसाद जो चढ़ाया था मैंने उसके साथ में पंडित जी ने माता पे चढ़ाया हुआ ये कमल का फूल हमें दिया है, अब इसे घर में जाके हम अपने मंदिर में रखेंगे। महालक्ष्मी मंदिर अगर आप आ रहे हैं तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक कि संडे के दिन भीड़ ज़्यादा होती है और दूसरा जितनी जल्दी आएँ उतना अच्छा है क्योंकि लाइन यहाँ पे बढ़ती जाती है और भीड़ भी यहाँ पे बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। मंदिर में आके और दर्शन करने में मुझे हार्डली लगे हैं 10 से 15 मिनट, लेकिन अगर आप काफ़ी देर अगर दोपहर के टाइम आ रहे हैं तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मंदिर जो है 24 घंटे ओपन होता है, मंदिर बंद बिल्कुल भी नहीं। जैसे बाकी जगह जो है इंडिया में मंदिर दोपहर में और शाम के टाइम में बंद रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 24 घंटे मंदिर बंद होता है। सिर्फ आरती के टाइम मंदिर बंद किया जाता है। आरती यहाँ पे 3 बार होती है, एक सुबह होती है, एक दोपहर में 12:30 बजे के लगभग होती है, 12:30 से 1:30 एक घंटे के लगभग आरती होती है, और एक शाम और एक रात को होती है जो संध्या आरती होती है, लेकिन मंदिर 24 घंटे ओपन रहता है। मंदिर परिसर में ही माता जी की आरती भी यहाँ लिखी है, स्तुति करना चाहे तो यहाँ पर कुछ देर खड़े होकर सामने भवन में माता के दर्शन करते हुए आप ये आरती आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे फोटो
भी खींच सकते हैं स्तंभ के पास खड़े होकर, लेकिन मंदिर के अंदर गर्भगृह के पास जो है माता के भवन में, वहाँ फ़ोटो नहीं खींच सकते। यहाँ पे स्तंभ के पास खड़े होकर आप मंदिर के साथ फ़ोटो आप ले सकते हो। अभी मैं आ चुका हूँ श्री धाकलेश्वर महादेव मंदिर। भीड़ ज़्यादा है नहीं, यह है नीचे से मंदिर में आने का रास्ता, आप आराम से दर्शन कर सकते हो, ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं होती है। जूते चप्पल यहाँ बाहर उतारेंगे और मंदिर में जाएंगे अंदर भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। मंदिर में आप जाओ तो 7 तरीके की पूजा कर सकते हो आप, और हर एक पूजा का अलग आपको यहाँ पे रेट लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ शाम को जो आरती होती है तो इक्विपमेंट्स यहाँ लगाए गए हैं ढोल वाले, जब शाम को आरती होती है ढोल जो है मशीन वाले से बचने लगते हैं। गणेश जी के भवन में आरती करने के लिए भी आपके 4 तरीके की पूजा है, जो आपको सही लगा उस रेट में यहाँ पे आप अभिषेक या पूजा आप कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे माता रामेश्वरी का भी दरबार है, और इसमें आप यहाँ पे भी आप जो है 7 तरह की अलग अलग तरह की पूजा कर सकते हो। रुद्राभिषेक करना है नॉर्मली आपको अभिषेक करना है, या दीप माला करनी है उसके भी आपको अलग रेट लिखे मिल जाएंगे। और यहाँ है सामने नंदी भगवान और सामने भगवान भोलेनाथ। अभी मैं खड़ा हूँ महालक्ष्मी मंदिर के बस स्टॉप के पास, यह सामने यहाँ पे आप आ सकते हो, RBL बैंक का ATM है इसके पास। और यहाँ से मैं बस लूँगा बस नंबर 37, और यहाँ से जा रहा हूँ मैं सिद्धि विनायक मंदिर। तो अभी इंतज़ार है बस के आने का, उसके बाद चल रहे हैं यहाँ से सिद्धि विनायक मंदिर। और ये आ गई है बस नंबर 37। मेरे पीछे आप देख रहे हो बस स्टैंड, इस पर लिखा है प्रभा देवी या सिद्धि विनायक मंदिर। बस में आप आ रहे हो 37 नंबर में, कंडक्टर को बोलकर टिकट ले सकते हो आप, प्रभा देवी जाना है या सिद्धि विनायक क्या क्या, आप मंदिर का टिकट ले सकते हो, बस स्टैंड का टिकट आप ले सकते हो। ये है मेरी टिकट, 10 रुपये का टिकट लगा था मेरे को महालक्ष्मी मंदिर से सिद्धि विनायक मंदिर आने के लिए। और सामने है मंदिर, और सामने आप देख रहे हो ये है सिद्धि विनायक मंदिर। अभी मंदिर पे बाहर से थोड़ा वो रेनोवेशन का काम चल रहा है, अदरवाइज़ मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। आपको दो कुछ टाइम बाद आप आओगे, जब तक काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तब तक थोड़ा और सुंदर लगेगा, और रात में लाइटिंग्स वगैरह होती हैं तो रात में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर, ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से लाइन लग के अंदर जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा भीड़ होने से यहाँ की एंट्री बंद कर दी है, और अभी लाइन जो है इस तरफ से चालू है। और यहाँ पे मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान है, आप अपने जूता चप्पल उतार के यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। मंदिर में दर्शन करने वालों की आप भीड़ देख सकते हो, छुट्टी का दिन होने की वजह से बाकी दिन के मुकाबले भीड़ आज रोज से ज़्यादा ही है। अगर आप मंडे टू फ्राइडे में सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सैटरडे संडे में आ रहे हैं तो आपको भीड़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। मंदिर के टाइमिंग्स बता देता हूँ, मंडे टू संडे में सिर्फ मंगलवार को छोड़ के बाकी दिन मंदिर जो है सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। लेकिन अगर आप मंगलवार का आ रहे हो तो मंगलवार को मंदिर सुबह 3 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में जाने के लिए जहाँ पे लाइन लगती है ठीक इसके साथ में भी प्रसाद के छोटे मोटे स्टॉल्स बने हैं, यहाँ से आप मंदिर में चढ़ने के लिए फूल माला और प्रसाद ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने जूते चप्पल यहाँ पे उतारने होंगे। लेकिन अगर आप प्रसाद अंदर से लेना चाहते हो या अगर आप सिर्फ दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर के अंदर जूता स्टैंड है, आप वहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार सकते हो। और यहाँ पर भी खाने पीने का रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल है, मंदिर दर्शन करने के बाद आके आप यहाँ पर सुबह का नाश्ता वगैरह दोपहर का लंच वगैरह आप खा सकते हो। और यहाँ भीड़ देख रहे हो, बराबर धक्का लगते हुए आखिरकार मंदिर का दरवाजा, मंदिर के कपाट खुल गए, एंट्री चालू हो गई और अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। फाइनली मैं सिद्धि विनायक मंदिर के अंदर 1 घंटे की लंबी लाइन में लग के पहुँच गया। सामने आप देख रहे हो PRO ऑफिस है, पूजा बुकिंग है, डोनेशन काउंटर, और सामने फ्री फुटवेयर सेवा है बाहर, जो आपको 100-150 रुपये का प्रसाद देके जूता रखना पड़ेगा, उससे अच्छा आप अंदर आके प्रसाद यहाँ पे बने प्रसाद काउंटर से
यहाँ पे स्टॉल से मैंने यहाँ से ले सकते हैं और अपने जूते चप्पल को यहाँ पर ऐसे टोकन इस टाइप का एक ही टोकन दिया जाएगा। और ये हो गया एग्जिट गेट, मंदिर के बाहर का दर्शन करके आओगे तो यहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब आज संडे होने की वजह से भीड़ आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेन अंदर भवन में कितनी भीड़ होगी। अभी जल्दी से चलेंगे, अभी चलते हैं, जल्दी से लाइन लग जाते हैं ताकि दर्शन हमें आराम से हो जाएं। 12:30 से एक बजे, 12 से 12:30 आरती होती है, 12 बजे से 12:30 मंदिर में आरती होती है, उस टाइम एंट्री जो है यहाँ से बंद रहती है, इसलिए बाहर लाइन काफ़ी लंबी हो जाती है। वैसे तो अगर आप लाइन में लग के दर्शन करना चाहते हैं उसका कोई चार्जेस नहीं है, आपको लगभग आधा घंटा या एक घंटा लगेगा भगवान के दर्शन करने, उसमें चलते हुए आपको दर्शन करने, आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। एक होता है 100 रुपये का टोकन होता है एक, उसमें आप दर्शन कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ी लंबी लाइन होती है बट नॉर्मल लाइन से थोड़ा छोटी लाइन होती है, उसमें भी आपको दर्शन आराम से जाते हैं। और एक यहाँ पर स्पेशल दर्शन है जो है आशीर्वचन करके है, 1500 रुपये का टिकट प्राइस है, 4 लोगों का 1500 का है, उसमें आप अंदर 10-15 मिनट रुक के आराम से जो है भगवान गणेश के आप दर्शन आप कर सकते हो। अब मंदिर के फ्रंट में जो है, जो यहाँ सामने भगवान गणेश का भवन है उसके ठीक सामने वीडियो बनाना, फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, थोड़ा पीछे आके आप जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से आप जो है फ़ोटो वगैरह आप खींच सकते हो। अभी हम जहाँ से एंट्री कर रहे हैं ये है मंदिर का गेट नंबर 1, जहाँ से फ्री दर्शन होते हैं, और आपको अगर पेड दर्शन लेने हैं तो आपको वहाँ सामने वाली लाइन में लेना पड़ेगा, जहाँ वो सामने आप लाइन देख रहे हो वहाँ से आपको आना पड़ेगा, वो पेड दर्शन की लाइन की है। और यहाँ है सामने हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पे भी आप पूजा वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे लगी है पूरी फ्री वाली लाइन। पूजा बुकिंग एंड डोनेशन काउंटर के पास आप मंदिर के लिए पूजा का टिकट ले सकते हैं, जिस तरह की पूजा आपको करानी है यहाँ से उसका आप रेट देख सकते हो। सिद्धि विनायक मंदिर में महाप्रसाद काउंटर से अगर आप चाहते हैं तो ऐसे 2 महाप्रसाद के पैकेट ले सकते हैं, एक पैकेट की कॉस्ट 20 रुपये, एक पैकेट में 2 लड्डू है, मैंने घर के लिए 2 पैकेट ले लिए हैं। आप भी यहाँ से महाप्रसाद से प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ पे वो प्रसाद पैक होकर मिलता है जो अंदर भगवान गणेश को पूजा में आरती के टाइम चढ़ाया जाता है। मंदिर से दर्शन करके मैं बाहर आ चुका हूँ, दर्शन बहुत अच्छे हुए, थोड़ा दूर से दर्शन हुए लेकिन काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। अगर आप पास से दर्शन करना चाहते हो तो जैसे मैंने पहले बताया, या तो आप 100 रुपये की टिकट ले सकते हो, 1500 की टिकट लोगे तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, 100 रुपये वाली में उसमें भी चलते रहते हैं लेकिन उसमें ठीक भगवान की मूर्ति के पास से आप दर्शन कर सकते हो, और फ्री वाली टिकट में तो आप थोड़ा दूर से दर्शन कर सकते हो लेकिन वहाँ से भी आपको दर्शन अच्छे से होंगे, आराम से थोड़ा 5-10 मिनट वहाँ पर रुक भी सकते हो, वहाँ से आप बहुत अच्छे से भगवान गणेश के भवन में जाके वहाँ से आप उनके घर गए के आराम से दर्शन आराम से कर सकते हो।